चलिए दोस्तों नमस्कार स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय के यूट्यूब चैनल पर और कैसे हैं आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ जहाँ पर भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो दोस्तों देखिए और आप लोग हमसे परिचित हैं पहले भी मैंने क्लासेस लिया है वीडियो एग्जामिनेशन में और कई अदर वनडे एग्जामिनेशन में तो आप लोगों के बीच में रहा हूँ और उससे परिचित हैं आप लोग अनजान नहीं है ठीक ना तो बहुत ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए आर ओ रो एग्जामिनेशन जो यू पी पी एस सी की तरफ से कंडक्ट होने वाला है फरवरी माह में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसके विषय में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे वीडियो बहुत छोटी सी होगी उसको आप लोग कंप्लीट देखिएगा वीडियो और एक काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्म होगी इसके संपूर्ण सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटी के बारे में बात करेंगे किस तरह से तैयारी आपकी आसान हो सकती है कैसे दोस्त इसमें आपको हेल्प मिल सकती है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस संस्थान के माध्यम से ठीक ना तो इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग जरूर दोस्तों देखिएगा ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी सबसे पहले दोस्तों मैं तो सर को दीपक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस एग्जाम के लिए मुझे योग्य समझा इसमें दोस्तों मुझे उस काबिल समझा कि एक अवसर दिया क्योंकि एक बड़ा एग्जाम है वन डे एग्जामिनेशन नहीं है ये कह है सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसका एक अच्छा खासा दोस्त आपको कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा देना पड़ेगा इसमें आपको क्योंकि उस लेबल की तैयारी दोस्त आपको करवानी पड़ेगी जिस लेबल की आर्वेद एग्जामिनेशन की दोस्तों डिमांड होती है एक बहुत ही बड़ा प्रशासनिक पद है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की आप लोगों को यहां से काफी लाभ होगा और आप लोग जरूर इस वीडियो को कंप्लीट या पूरा देखिएगा दोस्तों ठीक है तो चलिए आइए सबसे पहले दोस्तों देखिए इसके सेलेबस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे फिर उसके बाद कब से क्लासेस कंटिन्यू आपकी होगी जीएस की और हिंदी की दोनों क्लासेस आपकी दोस्त मिलेगी आपको रेगुलर बेसिस पे जिससे आप प्रैक्टिस के तौर पर क्लास को अटेंड करके आप अधिक से अधिक दोस्तों लाभ को अर्जित कर पाएंगे ठीक है तो देखिए इसमें सेलेबस के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो सलेबस आप लगभग सभी लोग जानते हैं और कुछ लोग इसमें ऐसे

समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में किसी भी प्रकार का साक्षात्कार इसमें नहीं होता है दो पेपर होता है प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है तो प्रीलिम्स जो होता है दोस्तों ये पूरा ऑब्जेक्टिव नेचर में होता है इसमें किसी भी प्रकार के लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको मेन्स भी दोस्तों उसके सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे मेन्स होता है उसमें ऑब्जेक्टिव और रिटेन दोनों मोड होता है ठीक ना तो सबसे पहले देखिए प्रीलिम्स का दोस्तों किसी भी एग्जामिनेशन की अगर हम तैयारी करने जाते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों उसके उससे पहले मेरा

एक फर्स्ट मीटिंग में होता है एक आपका सेकंड मीटिंग में होता है तो दोस्तों जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर होता है जीएस का कम्प्लीटली होता है और इसमें 140 क्वेश्चन आपके आते हैं 140 क्वेश्चन टोटल होता है 140 मार्क्स का होता है और ये दो घंटे का पेपर आपका होता है अब पेपर जीएस में मतलब कि कंप्लीटली जितना जीएस का पार्ट है हर पार्ट से क्वेश्चन आपके दोस्त आते हैं हिस्ट्री जोग्राफ़ी पॉलिटी इकोनॉमी इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया जनगणना हो गया यूपी स्पेशल हो गया जनसंख्या नगरीकरण हो गया कृषि हो गया और भी आर्ट एंड कल्चर हो गया तो मतलब हर एरिया से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वन नाइलर फार्मेट में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं और स्टैंडर्ड लेवल के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं तो पेपर ठीक ठाक बनता है ठीक ना एक अच्छे स्तर का पेपर होता है और आपको अच्छे तरीके से ज़बरदस्त इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी चीज़ें दिमाग में दोस्तों सेट हो पाएंगी उसके बाद कहें तो रीजनिंग और मैथ के भी कुछ क्वेश्चन इसमें छे जाते हैं बहुत ज्यादा उसका रोल नहीं होता है आठ से दस क्वेश्चन के आसपास दोस्तों इसमें पूछा जाता है अगर आप वन डे एग्जामिनेशन की तैयारी किए हैं सी वगैरह की जानकारी है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी खैर उसकी भी प्रैक्टिस आपको दोस्तों इस प्लेटफॉर्म से जीएस के साथ ही कराई जाएगी ताकि उसमें भी आपको अच्छी तरीके से मदद मिल पाए अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग जैसे बात करते हैं जीएस की तो दोस्तों दो का एग्जामिनेशन जो आर ओ का संचालित हुआ था उसमें देखिए जीएस में से दोस्तों कहां कहां से कितने क्वेश्चंस आए थे मैंने पहले लिख दिया है ताकि आपका समय ज्यादा बेस्ट ना हो तो 2021 में जो आरओ आर ओ का पेपर हुआ था एक अच्छे लेवल का जीएस पूछा गया था अगर बात करते हैं करंट अफेयर्स की तो अच्छा रोल अदा करता है करंट अफेयर्स और यहां से 20 क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था देखिए करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन था 2021 का पेपर है जीएस का ए फिर उसके बाद हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका दोस्तों 20 पूछा गया था ज्योग्राफी से बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन पूछा गया था आपका यूपी स्पेशल अट्ठारह क्वेश्चन था रीजनिंग से दोस्तों बारह क्वेश्चन था साइंस से आपका नौ क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से आपका नौ क्वेश्चन था पॉलिटी से बात करते हैं तो यहाँ पे सात क्वेश्चन पूछा गया था इन्वायरमेंट से दोस्तों बात करते हैं तो नौ क्वेश्चन था एग्रीकल्चर से बात करते हैं तो नौ क्वेश्चन था जनगणना से क्वेश्चन मतलब विविध वाला जो पार्ट है राष्ट्रीय मतलब कला और संस्कृति से दोस्तों आपका पांच को तीन क्वेश्चन पूछा गया था मतलब इस प्रकार से मिलाकर के एक क्वेश्चन दोस्तों आपका बना था तो आप अगर देखेंगे दोस्तों तो का लगभग हर पार्ट यहाँ पे टच है मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां से क्वेश्चंस आपका नहीं पूछा गया था कहीं से कम कहीं से ज्यादा ये संख्या जरूरी नहीं है कि इस बार 2023 में भी दोस्त यही फिक्स रहेगी कि 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नहीं घट बढ़ सकती है कहीं से संख्या ज्यादा आ सकती है कहीं से कम आ सकती है लेकिन नियर अबाउट दोस्त लगभग यही मतलब होता है क्राइटेरिया लोक सेवा आयोग का बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव देखने को आपको नहीं मिलता है जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एस में होता है पीटी पीटी 2023 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था आप देख सकते हैं कि सिलेबस में अचानक दोस्तों बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ तो इस प्रकार की यहाँ पे गतिविधि आपको देखने के नहीं मिलेगी इस एग्जामिनेशन में और इसकी मेरिट जो जाती है प्री की कट लगभग एक से तीस के आसपास जाती है और हर बार उसी रेंज में दोस्तों रन करती है तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं मैं जनरल की बता रहा हूँ फिर और बाकी जो होती है ओ वगैरह लगभग

छः पार्ट हिंदी से पूछे जाते हैं जिसमें से दस दस क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे टोटल साठ क्वेश्चन होता है साठ मिनट का होता है देखिए विलोम से दस क्वेश्चन पूछा जाता है विलोम मतलब अपोजिट जो बताना होता है इस सब चीजें आप जा, जानते हैं आप लोग और हिंदी की क्लास चलेगी तो सर आपको हिंदी डिटेल में प्रैक्टिस कराएंगे देखिए दो क्लासेस आपको दोस्तों प्रोवाइड की जाएगी जबरदस्त तरीके से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा प्रैक्टिस करने का आपको दोस्तों फायदा जरूर होगा क्योंकि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे जो बार बार हमको भूल जाते हैं उस पर बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे ताकि दोस्त उससे आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने से उस क्लास को अटेंड करने से जो अड़चालीस मिनट एक घंटे का आप समय देंगे उससे आपको लाभ प्राप्त हो ऐसा नहीं हो कि निरर्थक जाए और टाइम वेस्ट हो तो उस प्रकार की कोई भी दोस्तों धारणा आप अपने अंदर मत रखिएगा क्योंकि जो भी क्लास हम लोग यहाँ पे संचालित करेंगे प्रोवाइड करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी लाभकारी सिद्ध होगी ठीक ना तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब पहले थोड़ा सा सिलेबस पे कंप्लीट जान लीजिए तो यहाँ से छह सेक्शन होता है विलोम वाक्य वर्तनी शुद्धिकरण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है तत्सम तद्भव होता है विशेषण विशेष होता है पर्यावाची होता है ये छह टॉपिक फिक्स है हर टॉपिक से दस दस क्वेश्चन आते हैं अच्छा क्वेश्चन मतलब यहाँ से भी पूछा जाता है लेकिन यहाँ का भी दोस्त इसमें भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हिंदी में भी अच्छा खासा स्कोर आप लोग करते हैं पचपन के आसपास आप कर ले जाओगे फिर तो अब ये तो रहा दोस्तों प्री का बात रहा ठीक ना एक चालीस क्वेश्चन जीएस का 60 क्वेश्चन हिंदी का मतलब टोटल सौ 200 क्वेश्चन आपका होता है दो घंटे का दो मीटिंग में फर्स्ट मीटिंग में जीएस होता है सेकंड मीटिंग में आपका हिंदी होता है अब उसके बाद थोड़ा सा दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे मेन्स के सिलेबस पे फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी स्टार्ट करवाने हम लोग आपकी जा रहे हैं जिससे कि आपको दोस्तों लाभ हो आपको हेल्प मिले जिस प्रकार से इसके पहले दोस्तों और अन्य कई परीक्षाओं में हम लोगों ने आपकी मदद करने का प्रयास किया था जितना हम लोगों के पास ज्ञान है जितना हम लोगों से हो पाता है उतना देने का प्रयास किया था और मैक्सिमम बच्चों का लाभ भी हुआ था उनको लाभ मिला था सिलेक्शन लेना या ना लेना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और भी कुछ चीजें होती हैं दोस्तों जो मायने रखती इन सब चीजों में ठीक है तो देखिए ये दोस्त है मेंस का सिलेबस है मेंस में टोटल 200 400 मार्क्स का क्वेश्चन होता है 400 मार्क्स का होता है और मेंस जो है ना इसका ठीक-ठाक होता है आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है तो एग्जामिनेशन बहुत आसान होता है मेंस जो होता है तीन पार्ट में डिवाइड है इसका तीन पार्ट में पेपर नंबर फर्स्ट यानी कि दोस्तों जीएस का होता है मल्टीपल चॉइस होता है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा इसमें आयोजित नहीं होती है पेपर नंबर फर्स्ट में देखिए पेपर नंबर सेकंड जो होता है ये थोड़ा टेक्निकल होता है अच्छा लेवल का पेपर होता है और इसमें अच्छी खासी आपकी मेहनत की जरूरत है अभी इसको समझाते हैं पेपर नंबर थर्ड जो होता है आपका निबंध वाला पार्ट होता है तो ये बात आपको पूरी अच्छी तरह से स्पष्ट हो गई होगी कि दोस्तों मेन्स जो है आपका तीन पार्ट में डिवाइड है प्रथम आपका पेपर नंबर फर्स्ट है जो कि जीएस होता है एक सौ बीस क्वेश्चन होता है एक सौ बीस मार्क्स का होता है और एक सौ बीस मिनट होते हैं इसमें ठीक ना ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन लेबल इसका स्टैंडर्ड हो सकता है प्री की अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मुड़ा उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है कि प्री की अपेक्षा थोड़ा सा स्टैंडर्ड ही बन सकता है उसके बाद दोस्तों पेपर नंबर देखिए सेकंड है इस सामान्य हिंदी का टोटल पेपर होता है हिंदी होती है और ये भी दो पार्ट में डिवाइड है दो पार्ट में डिवाइड यहाँ पे है देखिए ये जो एक है आपका पूरा लिखित है ये आपका रिटर्न है ऑब्जेक्टिव चॉइस में नहीं है और ये जो है पेपर इधर आपका मल्टीपल चॉइस में है पांच टॉपिक इसमें से पूछी जाती है और ये मल्टीपल चॉइस मतलब वैकल्पिक बहुविकल्पी है अब देखिए जो लिखित वाला है दोस्तों इस सौ अंक का टोटल होता है कितना होता है सौ अंक का होता है ढाई घंटे का पेपर होता है लगभग इसमें आपको कितना समय दिया जाता है ढाई घंटे का समय दिया जाता है देखिए इसमें टॉपिक कितनी है तो टॉपिक है पहला गद्य खंड इसकी गद्य खंड में दोस्तों कई तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे आपके सामने हिंदी में एक गद्य खंड दे दिया जाएगा रेखांकित कर दिया जाएगा दो तीन जगह उसमें आपसे व्याख्या लिखने के लिए कहा जाएगा शीर्षक लिखने के लिए उस गद्य खंड का कहा जाएगा सारांश लिखने के लिए कहा जाएगा ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे सर का हिंदी का एक बैच भी है उसके बारे में अभी आपको जानकारी मैं दूंगा उसके बारे में डिटेल में आपको समझाएंगे ठीक ना तो देखिए पहला टॉपिक है गद्य खंड व्याख्या शीर्षक सारांश यहाँ से पूछा जाता है इसमें दूसरा टॉपिक आपका पत्र लेखन है पत्र लेखन में कई प्रकार के पत्र होते हैं देखिए शासकीय पत्र शासकीय को सरकारी पत्र भी कह सकते हैं अर्ध शासकीय पत्र ज्ञाप आदेश परिपत्र विज्ञप्ति अनुस्मारक टिप्पणी प्रतिवेदन इतने प्रकार के पत्र हैं सबको नहीं लिखना है घबराइए मत इसको देख के इसमें तीन खंड होते हैं और तीनों खंड में से दोस्तों एक एक पत्र आपको लिखना पड़ता है मतलब इन्हीं में से कोई आएगा सास की पत्र लिखने के लिए आ जाएगा या अनुस्मारक हो जाएगा या टिप्पणी हो जाएगा या परिपत्र हो जाएगा तो इनमें से तीन खंड होगा और तीनों खंड में से एक एक पत्र आपको लिखना पड़ेगा ठीक है उसके बाद देखिए तीसरा टॉपिक जो होता है हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण होता है हिंदी शब्द से अंग्रेजी रूपांतरण अंग्रेजी से हिंदी चौथा है कंप्यूटर ज्ञान से भी आधारित कुछ क्वेश्चन आपको लिखने के दिया जाता है मुहावरे

होता है खंड क खंड खा, खंड गा। खंड का में दोस्तों देखिए तीन चार टॉपिक आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जो पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा चालीस नंबर का रहेगा खंड ख में से भी दोस्तों किसी एक टॉपिक को चुन करके आप निबंध लिख सकते हैं चालीस नंबर का रहेगा खंड ग में से भी किसी एक टॉपिक को चुन करके निबंध लिख सकते हैं यानी कुल मिलाकर आपको तीन निबंध दोस्त लिखना पड़ेगा तीनों खंड से मिला करके चार तो सौ दोस्तों होता है, में। ना? पेपर ठीक ठाक होता है आप बहुत हल्के में लेने की प्रयास मत करिएगा अच्छे लेवल के क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभ्यास करना पड़ेगा एक क्वेश्चन को कई बार आपको रिपीट करना पड़ेगा एक सब्जेक्ट को कई बार पढ़ना पड़ेगा इस तरह से आप जाकर के इस पे पकड़ बना सकते हैं। अच्छा खासा पद है एक जिम्मेदारी से भरा हुआ है, पद है प्रशासनिक गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट आपको एक कह सकते हैं तो आर वाली जो होती है समीक्षा अधिकारी वाली राजपत्रित अधिकारी के पद पर आपका चयन होगा तो जिम्मेदारियों से भरा होगा उस जिम्मेदारी को उठा सकने योग्य जब तक आप नहीं बनेंगे तब तक दोस्तों ठीक है तो इसके लिए दोस्त आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा तो देखिए और भी चीज़ें हैं और मैं आपको क्लासेस के बारे में दोस्तों अभी बताऊंगा और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें कि एक भी चीज़ है और जैसे मान लीजिए आप अगर टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना चाहते हैं आप चाहते हैं दोस्तों कि आर ओ आर ओ एग्जामिनेशन में जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है तो यहाँ पे दोस्तों व्यवस्था इसकी की गई है देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन, आप जानते हैं सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ए यहाँ पे देखिए ए टेस्ट सीरीज किसकी है ए हिंदी की टेस्ट सीरीज है ठीक ना ए जनरल हिंदी की टेस्ट सीरीज है दोस्तों वहां पे जाएंगे एप्लीकेशन पे तो आपको सो होगा और ए जो है दोस्त किसकी सीरीज है ए जीएस की सीरीज टेस्ट सीरीज है दोनों टेस्ट सीरीज में 20 20 टेस्ट सीरीज है टोटल 20 इसमें है बीस इसमें है तो आप कह सकते हैं कि चौदह 140 क्वेश्चन है तो 140 मतलब चौदह दुनी अट्ठाईस क्वेश्चन हो गया और इसमें 60 क्वेश्चन है तो साठ दुनी मतलब कि 20 है तो छत दुनी 12 ठीक है ना बारह सौ तो इस तरह से दोनों टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और बहुत ही कम फीस में दोस्तों है इस इसपे मात्र देखिए आपको एक कूपन कोड लगाना है कूपन कोड क्या होगा यूपी पी एस सी ट्वेंटी कूपन कोड आपको लगाना है ठीक ना उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उसमें डिस्काउंट मिलेगा तो आप दोस्त इस परचेज कर सकते हैं मात्र हंड्रेड रुपए में जीएस वाली है देखिये जीएस वाली जो है मात्र हंड्रेड रुपए में है और ए वाली जो है आपकी हिंदी वाली मात्र सेवेंटी फाइव रुपए में आपको दोस्तों ये दोनों टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे अवेलेबल कराई गई है अगर मेरा सुझाव दोस्त ये है अगर आप टेस्ट सीरीज को परचेस करते हैं तो एक बार नहीं कम से कम उस टेस्ट टेस्ट सीरीज को दो तीन बार दोस्तों लगाइए दो तीन बार उसको रटिए ताकि दोस्तों उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हजार दो हजार ढाई हजार जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए अच्छे से दोस्तों बैठ जाए ताकि आपको दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आते ही तुरंत रिकॉल हो जाए याद हो जाए दोस्तों ठीक ना और ये हिंदी का बैच है तो हिंदी का बैच लगभग हमको लग रहा है कंप्लीट हो चुका है और भी जो बाकी होगा तो इसमें इन्फॉर्मेशन आपको शर देंगे तो ये तीन इंफॉर्मेशन थी आपको दोस्तों आपकी सीरीज से रिलेटेड जिसको मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर दोस्तों टेस्ट सीरीज को परचेज करना है अगर कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर आप इंक्वायरी ले भी सकते हैं देखिए सत्तानवे दो सौ बारह चौवालीस सात सौ तिरपन इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं सत्तानवे दो सौ बारह चौवालीस सात सौ तिरपन पे आपको अच्छे से डिटेल में जानकारी और मिल जाएगी अगर कोई समस्या इसमें आपको आती है इस टेस्ट सीरीज को परचेज करने में ठीक है अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि क्लासेस आपको कैसे प्रोवाइड की जाएगी तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लासेस दो आपको आर ओ आरओ के लिए प्रोवाइड होने जा रही है जिसका नाम दोस्तों पहली क्लास है क्या आपकी जीएस पहली क्लास आपकी जीएस की है तो जीएस में दोस्तों हम लोग देखिए जी में अभी तो फिलहाल हम हैं आपको प्रैक्टिस कराएंगे जो चुनिंदा क्वेश्चन हैं आपके हिस्ट्री पोलिटी जोग्राफी इकोनॉमी इन्वायरमेंट का सेक्शन हो गया जनगणना हो गया यूपी पी हो गया अगर भविष्य में आगे और भी प्रबंध होता है तो सर आपको और भी प्रोवाइड करेंगे और भी अध्यापकों को तो वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे क्लास को ठीक है तो फिलहाल अभी दो क्लासेस आपको मिलने जा रही हैं दोस्तों जीएस वाली जो क्लास होगी आपकी सुबह दस बजे होने वाली है कब होगी तो जीएस वाली क्लास दोस्त आपकी सुबह दस, दस बजे होने वाली है यानी कि डेली दस ए पर आपकी दोस्त क्लास होगी और इस क्लास को अटेंड करके दोस्त आप जी में प्रैक्टिस जबरदस्त कर सकते हैं ठीक ना तो आप लोग दोस्त कमेंट करके बताइएगा कि जिस तरह से वीडियो एग्ज़ामिनेशन में मैंने आपकी मदद किया था मैं आपके लिए दोस्त जो भी कंटेंट था रीजनिंग का मैं तो ये नहीं कहता कि मैं बहुत आपको सेलेक्ट करवा दिया या बहुत अच्छा मतलब टॉप करवा दिया ठीक ना लेकिन मैं मुझे पूरा विश्वास है तो उस क्लास से आपको जरूर मदद मिली होगी ठीक है और भी चीज़ें होती हैं सिलेक्शन लेने में पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत चीज़ें मायने रखती हैं अगर उसको सब कुछ सही है एक सिस्टमेटिकली तरीके से दोस्तों आप सही हैं मतलब व्यवस्थित हैं सब कुछ ठीक ना इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ तो ज़रूर आपको दोस्तों से लाभ मिलेगा और एग्जाम में ज़रूर आप बेहतर करेंगे तो देखिए 10 ए एम पे दोस्तों जीएस वाली क्लास आपकी स्टार्ट होगी जिसमें जीएस के हर पार्ट से मैं आपको रिविज़न के तौर पर क्लास प्रोवाइड करूंगा तो आप लोग अपने रूम पर अपने घर पर जो प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करते रहिए यहाँ पर भी एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठिएगा जिससे दोस्त प्रैक्टिस हो जो नई

तो आप लोग दोस्तों तैयार रहिए ज़बरदस्त क्लासेस आपको मिलने जा रही है रिवीजन के तौर पे ताकि दोस्त आपकी चीज़ें दिमाग में आपके स्टोर हो पाए और आपको इससे लाभ मिल पाए तो आप लोगों से सभी लोगों से गुजारिश है कि एक बार कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी आपको रिक्वायरमेंट है जी की क्लास की हिंदी की क्लास की ताकि आपका रिविज़न हो पाए लाभ हो पाए ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों इस क्लास को देख करके इस वीडियो को देख करके बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किए होंगे किसी भी एग्जामिनेशन की अगर हम तैयारी करते हैं तो दोस्तों सेलेबस उसके सेलेबस के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए क्योंकि सेलेबस अगर दिमाग में पूरा सेट है जानकारी है तो तैयारी करना और आसान होता है और उस चीज़ें आसान होती चली जाती हैं ठीक है तो चलिए ठीक है दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को लेकर के साल्व करना शुरू कर दीजिए दोस्तों और इसमें नीचे आपको डिटेल में आंसर इसका दिया गया है ठीक है नीचे इसका डिटेल में आंसर आपको दिया गया है और देखिए इसमें अगर आप जाना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो व्यू पी डी एफ करिएगा डेमो कर, के रूप में भी दोस्तों वहां पे पड़ा है तो व्यू पी डी एफ करेंगे तो इस पर खुल जाएगा पूरा आपका आप इसको देख सकते हैं ठीक है देखिए इसमें दिया है पूरा ये सारी चीज दिया है इसमें संस्कृति का विशेषण क्या होगा जिंदा शब्द क्या है लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता विशेषण क्या है तो मतलब जितने भी टॉपिक है पूरा बना फिर नीचे देखिए पूरा आपको साठ क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है आंसर किया गया ठीक है देखिए पहले क्वेश्चन का गुण या विशेषता को बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है तो इस प्रकार से पूरा डिटेल जीएस और हिंदी में दिया गया है तो इस सीरीज आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकती है मददगार साबित होगी तो आप लोग इस सीरीज को एप्लीकेशन पे जाइए परचेस करिए और वहाँ से दोस्तों प्रैक्टिस को मजबूत बनाइए ठीक है तो चलिए कल से ही शायद क्लास स्टार्ट हो एक दो दिन में क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो जी की क्लास दस बजे सुबह प्रैक्टिस के तौर पे मिलेगी हिंदी की क्लास अभी दो चार दिन के बाद आपकी चार या साढ़े चार बजे शाम को स्टार्ट होगी ठीक है चलिए दोस्तों ठीक है आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा तैयारी को एकदम अपने बढ़िया तरीके से करिए और एक जो ज़िम्मेदारी मुझे मिली है सर ने जो मुझे प्रोवाइड किया है इस ज़िम्मेदारी को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगा और इसको पूरी कंप्लीट करूँगा ठीक ना तो मिलते हैं क्लास में अगली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को जल्दी से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसके लिए आप तैयार हैं ज़रूर कमेंट दोस्तों करिएगा ठीक है धन्यवाद नमस्कार